दोस्तों, नवरात्रों में पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ को। भाग्य आपका सातवें आसमान पर होगा। जहाँ भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया है। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफ़ी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की ना सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा, पीपल का पौधा। इसका बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा, हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं, हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए। वट सावित्री जो व्रत रखती हैं, माताएँ बहनें, वो पीपल की पूजा क्यों करती हैं, क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसी अलौकिक चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं जिसके दम पर कुछ समय में, यानी कि कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि के समय में तावीज़ में भर करके पहन लेना इस पौधे की जड़ को, बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्रि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है। नवरात्रि की शुरुआत रविवार 15 अक्टूबर 2023 से होगी। 23 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि समाप्त होगी। वहीं 24 अक्टूबर विजयदशमी यानी कि दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो नवरात्रि का समय होता है, माँ नवदुर्गा की प्राप्त करने का, इसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य की कामना हो, धन धान्य से समृद्ध होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में धारण किए जाने वाली पांच जड़ के बारे में बताऊंगी। पांच जड़ में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना। जितने भी मैंने लाभ इस वीडियो में बताए हैं, वो सारे लाभ आपको मिलेंगे। दोस्तों, पेड़ पौधों में बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं। आप माने या ना माने, हमने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे लोगों की बीमारियों को भी ठीक करा है और बहुत सारे पेड़ पौधों का प्रयोग करके कई लोगों की समस्या को, जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकियों में समाप्त करवाया है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फ़ायदा पहुँचाने का काम ही करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको नवरात्रि के 9 दिन इस पेड़ पौधों की जड़ को ले आना है। अगर नवरात्रि के 6ठे दिन इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नवरात्रि के 6ठे दिन भी इस पेड़ पौधे की जड़ ला करके आप जो हैं अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर नवरात्रि के 9 दिन आप इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं, तो फिर अति उत्तम है। आपको हर वो चीज़ प्राप्त होगी जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो हैं इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं, तो उससे अच्छा आपको परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं रत्न में मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्न में त्रुटि होती है। लोग आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधों से आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बनाएगा, क्योंकि स्वयं आप इसे अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे और इसे आप धारण करेंगे। तो मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में लाए जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ के बारे में बता रही हूँ, जिसे आप जो है ला करके धारण कर सकते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है, इसे देवी प्रतिमा की तरह 9 दिन तक पूजा करनी होती है। जैसे माता नवदुर्गा की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधों की जड़ को ला करके 9 दिन तक आपको पूजा करनी होती है। और 10वें दिन जो विजयदशमी होती है, 10वें दिन चांदी के तावीज़ में भर करके पहनना होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि चांदी का तावीज़ जो है वो आप ले सकें, तो आप जो है बिना चांदी के तावीज़ के भी पहन सकते हैं। जो तांबे के तावीज़ आते हैं, उसमें आप डाल करके धारण कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी चीज़ को हमें नवरात्रि के समय में कौन सी जड़ को ला करके धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। पांच जड़ के बारे में बता रही हूँ। दोस्तों, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ लानी है। चमेली की जड़ के बेनिफिट बताना चाहूँगी, फ़ायदे बताना चाहूँगी। चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियाँ समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा कि चमेली का जो तेल है, हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की शक्तियाँ रहती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा
प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली की जो जड़ होती है इसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है इसे नवरात्रि के पहले ले आना या फिर नवरात्रि के टाइम में भी ला सकते हैं और इसकी 9 दिन आपको पूजा करनी है। 9 दिन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 1 दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के तावीज़ में धारण करना होता है। आपको दशहरे के दिन इसे चांदी के तावीज़ में धारण करना होता है, तो इससे दैवीय शक्ति की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है, आप हमेशा निरोग रहते हैं। दोस्तों दूसरे क्रम में आते हैं बरगद की जटा। यह बंद किस्मत के ताले को खोलती है। बरगद की जो जटा है अध्यात्म दृष्टि से बहुत ही पवित्र है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्ष माना जाता है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने ज़रूर देखा होगा कि इनकी पूजा होती है। जो बरगद है ये देव वृक्ष कहा गया है। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है, बसी हुई होती है। जो बरगद वृक्ष है इसमें पितृ का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का रूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं, तो नवरात्रि में 9 दिन पूजा करने के बाद बरगद की जटा अवश्य धारण करें। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 20 से 25 चमत्कारिक फायदे मिलते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पर आते हैं सफ़ेद मदार की जड़। अब सफ़ेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए? दोस्तों जो मदार है सफ़ेद कलर की, ये भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे गए हैं। और जो 11 वर्ष पुरानी सफ़ेद मदार की जड़ होती है ये भगवान गणेश की सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी हैं इन्हें बहुत ही ज़्यादा फलकारी कहा गया है। दोस्तों ये तत्काल अपना फल प्रदान करते हैं। भगवान गणेश जी को रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी कहा गया है। तो अगर आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं तो मदार की जड़ नवरात्रि में ले आना। इसकी 2 से 5 दिन 9 दिन तक पूजा कर देना। इसके बाद 10वीं तिथि को धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो मदार है ये भगवान गणेश जी के स्वरूप हैं और मदार धारण करने के बाद नवग्रह की जो पीड़ा होती है वो समाप्त हो जाती है। खासकर जो बुध ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं तो गलत परिणाम देना बंद कर देते हैं। दोस्तों नंबर 4 पर आते हैं अपराजिता। अपराजिता क्यों धारण करना चाहिए? दोस्तों जो अपराजिता है इसके पुष्प माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि अधिकतर लक्ष्मी पूजा में अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी माता लक्ष्मी आपके द्वार पर नहीं आ रही हैं, परेशान हो चुके हैं आप, जिसके कारण आपकी जो दैनिक स्थिति है वो खराब हो चुकी है, तो अपराजिता नाम का जो पौधा है इनकी जड़ धारण करें। इसे चांदी के तावीज़ में धारण करने के बाद फिर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, नौकरी चाहिए नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी, यानी कि बंद किस्मत के ताले को खोलने का काम करता है। आपके अध्यात्म उन्नति करते हैं। मानो या ना मानो धर्म अपनी जगह है दोस्तों, लेकिन जड़ी बूटी की शक्तियां अपनी जगह पर होती हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आप इसकी जड़ को ज़रूर धारण करें। अब दोस्तों 5वें नंबर पर आता है लटजीरा का पौधा। दोस्तों लटजीरा नाम का पौधा हमारी वीडियो में आप देख लीजिए इस प्रकार का होता है। लटजीरा पौधा कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं, कई लोग इसे अपामार्ग बोलते हैं। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं, ये सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं उन्होंने जो बीज देखे होंगे फल के, वो सीधे तरफ होते हैं लेकिन ये उल्टे होते हैं, इसीलिए इसे अपामार्ग कहते हैं। अर्थात ये दुनिया से उल्टा चलता है। अपामार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। दोस्तों अपामार्ग जो होता है इसके बीज की खीर बना करके खाने से 30 दिनों तक बिल्कुल ही पेशाब पानी, यहाँ तक कि जो शौच क्रिया होती है वो बंद हो जाती है। तो साधना करने वाले जो संत महात्मा रहते हैं हिमालय में अधिकतर हमने देखे हैं, ऐसे लोग अपामार्ग के बीज की खीर बना करके खाते हैं, लंबे समय फिर साधना करते हैं। इन्हें खाने के बाद भूख है प्यास है या फिर एक प्रकार की शौच क्रिया नहीं सताती। तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? तो नवरात्रि के समय में 10वीं तिथि में आपको इसे धारण करना है। इसके धारण करने के बाद ये शत्रु का नाश करता है। और एक खास बात, जो लोग जैसे वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं सभी लोग उन्हें देख करके सम्मोहित हो जाते हैं, उनके चेहरे से नज़र ना हटाएं, उन्हीं की बात को माने, तो ऐसे व्यक्ति जो चिड़चिड़ा है अपामार्ग है इसकी जड़ ज़रूर धारण करें। इसकी जड़ धारण करने के बाद अध्यात्म उन्नति होती है।
बंद किस्मत के ताले खुलते हैं। आप जहाँ भी जाइएगा लोग आपको देख करके आकर्षित होंगे, आपकी वशीभूत हो जाएंगे। तो ये अवश्य धारण करें। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में किसी भी प्रकार के जो ग्रह हैं आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, तो गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। तो ऐसे में प्यारे दोस्तों, ये जो टोने टोटके की दुनिया है इसमें विश्वास होना ज़रूरी है। जो लोग मानते हैं उनके लिए भगवान है, जो लोग नहीं मानते तो वे पत्थर समझते हैं। यानी कि भगवान आपके सामने भी खड़े हों तो भी पत्थर तुल्य है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो पत्थर भी आपके लिए भगवान जैसा पूजनीय हो जाता है। लोग तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम को भी आज झुठलाते हैं, सब देव मनुष्य बोलते हैं। तो आस्था के ऊपर ये सब जितने भी मैंने आप लोगों को तांत्रिक वस्तुएं बताई हैं, पेड़ पौधों की जानकारी बताई है, ये आस्था के ऊपर निर्भर करता है। आस्था है तभी ये आपको अच्छे परिणाम देंगे, आस्था नहीं है तो ये आपको कुछ भी परिणाम नहीं देंगे। तो अपना भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत में परिवर्तन होते हुए देखने के लिए, अपनी अध्यात्म उन्नति करने के लिए ये जड़ अवश्य धारण करें। ये सदा आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। ये जड़ मित्र की भांति मदद करती है, आपका हमेशा साथ देती है। तो ये छोटी सी जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। आप इसका प्रयोग ज़रूर कीजिएगा। नवरात्रि के किसी भी दिनों में आप इनमें से कोई भी जड़ का उपयोग कर सकते हैं और अपनी किस्मत बदल सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।